गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेक आउट पेज नंबर 14। वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर सेकेंड, एडवांस नेटवर्किंग। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, द वेरियस डिवाइसेस दैट कंस्टिट्यूट अ नेटवर्क एंड द टेक्नोलॉजीज यूज टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ कंप्यूटर्स कनेक्ट विद ईच अदर और अ नेटवर्क डिफरेंट एड्रेसिंग स्कीमा। पिछले चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार के नेटवर्क टावर को देखा है, विभिन्न डिवाइस जो एक नेटवर्क का निर्माण करती है, और इस तकनीक का उपयोग चैप्टर में एक नेटवर्क से जुड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, टॉपिक है लोकेटिंग कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। यू हैव लर्न हाउ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क टू सेंड डेटा अक्रॉस कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन हैज़ टू नो द लोकेशन और एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज कॉल्ड एन आईपी एड्रेस। हमने सीखा है कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे जुड़े होते हैं। कंप्यूटर में डेटा भेजने के लिए कंप्यूटर जो जानकारी भेजते हैं उस कंप्यूटर का स्थान या पता जानना होता है, जिसे नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता एक आईपी एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस, द आईपी एड्रेस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द होस्ट एंड इट्स नेटवर्क और द सब नेटवर्क। फिगर 2.1 शो एज एग्जांपल ऑफ द वे 32-bit आईपी एड्रेस इज स्ट्रक्चर्ड। आईपी पते में होस्ट का पता होता है जो सब नेटवर्क का नेटवर्क है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द आईपी एड्रेस इज 32 bits इन लेंथ एंड डिवाइडेड इनटू 4 parts। इसको 4 parts में डिवाइड किया है, देखिए 4 parts में इसको डिवाइड कर रखा है। इन द बाइनरी फॉर्मेट ईच पार्ट विद इन द आईपी एड्रेस will be 8 bits equal to 1 byte in length after covering to the decimal number system. What we generally use, the IP address takes the form of 4 numbers each separated by a period. Each of the 4 number can vary in value from 0 to 255. IP address mein 32 bits हैं और बाइनरी फॉर्मेट 4 parts में डिवाइड किया गया है। ये दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित होने के बाद दिन की लंबाई के बराबर है। हम आईपी एड्रेस पर फॉर्म का यूज़ करते हैं। 4 संख्याओं में से प्रत्येक 0 से 255 तक के मूल्य में विभिन्न हो सकती है। ये आप देख रहे हैं आईपी एड्रेस इन डेसिमल फॉर्म में है और ये बाइनरी फॉर्म में है। टू व्यू द आईपी एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर, फर्स्ट है राइट क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन भी क्लिक करेंगे, राइट स्टार्ट बटन भी क्लिक करेंगे और शॉर्टकट मेनू अपीयर एज शो इन द फिगर 2.2 में शो कर रखा है। सेकेंड है क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो अपीयर्स। थर्ड है एट द प्रॉम्प्ट टाइप द कमांड आईपी कॉन्फिग। फोर है प्रेस एंटर, द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम आईपी कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। योर कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस इज विजिबल इन द आईपी v4 एड्रेस रो एज शो इन द फिगर 2.5। ये इसकी 4 स्टेप दी है। नेक्स्ट टॉपिक है एमएससी एड्रेसिंग। एनी डिवाइस लाइक अ कंप्यूटर राउटर एक्सेट्रा हैज़ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हेल्प्स द डिवाइस कनेक्ट टू अ नेटवर्क। अलोंग विद द आईपी एड्रेस अ फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। दिस फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड द मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC एड्रेस एंड इज अवेलेबल विद इन द NIC। कंप्यूटर राउटर एक्सेस जैसी किसी भी डिवाइस में
एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने में हेल्प करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ एमएससी एड्रेस। ये आप देख रहे हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में एमएससी की फुल फॉर्म में मीडिया एक्सेस कंट्रोल। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द एनआईसी गिव्स द एमएससी एड्रेस टू द कार्ड व्हेन इट इज क्रिएटेड। द एड्रेस इज यूजली प्लेस्ड और हार्ड वायर्ड द कार्ड्स हार्डवेयर लाइक रोम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्न इन एड्रेस। BIA की ये फुल फॉर्म है बर्न इन एड्रेस। द एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 48 बीट्स विच आर रिप्रेजेंटेड एज 6 सेट्स ऑफ 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स दैट मे बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन और अ हाइफ़न। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 3 सेट्स ऑफ 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स सेपरेटेड बाय पीरियड। द नोटेशन यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द एमएससी एड्रेस इज MM 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 SS 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 SS। NIC का निर्माता वे कार्ड को एमएससी एड्रेस देता है जब इसे बनाया जाता है। इसे आमतौर पर रखा जाता है और हार्डवेयर कार्ड में होते हैं जैसे कि रोम और इसे एड्रेस में बर्न के रूप में भी कहा जाता है या जाना जाता है। द फर्स्ट 3 बाइट्स इन द एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय MM इज अ नंबर दैट आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार्ड। दिस नंबर कार्ड द ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर OUI की ये फुल फॉर्म है इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स इंटरनेट स्टैंडर्ड्स। द रिमेंबरिंग 3 बाइट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय SS फॉर्म द सीरियल नंबर ऑफ द कार्ड। पहले 3 शब्दों और निर्देशों को एक संख्या द्वारा दर्शाया जाता है जो कार्ड के निर्माताओं की पहचान कराता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है डोमेन नेम्स। टू व्यू अ वेबसाइट्स दैट इज होस्टेड ऑन अ कंप्यूटर यू वुड नीड टू नाउ द IP एड्रेस ऑफ दैट कंप्यूटर। रिमेंबरिंग नंबर्स इज क्वाइट डिफिकल्ट बट व्हाट इफ द नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट नेम। अ डोमेन नेम प्रोवाइड्स इजी टू रिमेंबर नेम्स फॉर नेटवर्क कंप्यूटर्स। Each part of a domain name signifies specific information which the web browser used to locate the website. When you type a domain name, you follow a certain syntax. Let's take a look at a domain name to see how it is structured. एक कंप्यूटर पर होस्ट की गई वेबसाइट को देखने के लिए आपको उस कंप्यूटर का IP पता जानना होगा, जो याद रखना कि नंबर काफ़ी कठिन है, मतलब हमें याद रखना कठिन है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, IP एड्रेस का जानना ज़रूरी है। एक डोमेन नेम कंप्यूटर नेटवर्क के लिए नाम याद रखना आसान है, मतलब हम याद ही रख सकते हैं उस चीज़ का, तो हम क्या करते हैं कि डोमेन का यूज़ करते हैं, मतलब डोमेन के लिए ये नाम याद रखना ईजी है, इसलिए हम उसका जो एड्रेस है उसका पता उसका जानना ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है टॉप लेवल डोमेन। दिस लेवल इज लोकेटेड टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डोमेन नेम। एवरी डोमेन नेम एंड्स विद अ टॉप लेवल डोमेन लेवल। टॉप लेवल डोमेन्स रिप्रेजेंट कंट्री नेम्स ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द फिगर 2.7 द टॉप लेवल डोमेन इन रिप्रेजेंट्स द कंट्री इंडिया। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन्स आर। ये लेवल डोमेन नाम के प्रत्येक डोमेन नाम के चरम दाई और स्थित है, मतलब राइट साइड ये स्थित है। डोमेन देश के संगठन के नाम का आंकड़ा
2.7 में है, जो 2.7 है उसमें इसका आंकड़ा है। शी स्तर पर डोमेन देश में देश का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके जो एग्जांपल है, मतलब टॉप लेवल के जो डोमेन्स हैं, ये उनके एग्जांपल दिए मैं आपको। ये शॉर्टकट में दिए होते हैं, ये इनकी फुल फॉर्म यहाँ दी हुई गई है। .com की फुल फॉर्म है कमर्शियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और .com edu की है एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और .gov की है गवर्नमेंट एजेंसीज, और .int की है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, .mil की है मिलिट्री एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और .org की है मिस सेलेंसियस ऑर्गेनाइजेशन, .net की है कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, .info की है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स।